हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे। मैं रवि सिंह, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम क्या करने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके, 50 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके। सो प्लीज फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाए। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य, कर्म सब गुरु की ही देन है। सो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है। हाय, आई एम रवि सिंह, योर जीएस मेंटर। आई विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल एग्जामिनेशन लाइक सीटीएस, एफगेट, सीएपीएफ। दीस आर माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग सिंस 2014। टिल नाउ आई हैव बीन मेंटर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। वी आर हियर ऑन एन एकेडमी टू क्रैक द सीटीएस, एफगेट, सीएपीएफ लाइक एग्जामिनेशंस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। What will you get here? You will get the daily live classes, structured courses, unlimited access, live test and quizzes. हाय कुणाल, करना क्या है? डाउनलोड करें अन अकेडमी ऐप को और शुरू करें अपनी जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स विद लाइव क्लासेस। टू अनलॉक द फ्री कंटेंट, यूज द कोड रवि यूएन। कोड यूज करें रवि यूएन और सभी कंटेंट्स को, सभी फ्री कंटेंट को अनलॉक करें एक कोड के द्वारा। कोड है रवि यूएन, RAVI, रवि यूएन। हैप्पी गुरु पूर्णिमा कुणाल, खुश रहिए। वेरी गुड इवनिंग, खुश रहे बच्चे, खूब तरक्की करें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ठीक है, कोई ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है। जय हिंद, जय हिंद वीर माही यादव, जय हिंद, खुश रहिए, खूब तरक्की करें। हाय हरिओम। मेन्यू बटन पर जाइए, प्लस पे क्लिक करें और बॉटम में आपको मिल जाएगा क्विज का ऑप्शन। साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको 1,423 से भी वेरियस सिलेबस, वेरियस कोर्सेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सब कुछ। वेरी गुड इवनिंग सुशील दीक्षित, खुश रहिए, खूब तरक्की करें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बच्चे आप हमारे साथ पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अनूप, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आपको भी हरिओम, खुश रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वेरी गुड इवनिंग विक्रम। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पे भी डाउनलोड हो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके वाजिद, जय हिंद वाजिद सैफी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, आप कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं वाजिद। आज गुरु पूर्णिमा के एक शुभ पावन अवसर पे आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां। ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करे और आप सब लोग सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी लोगों से आंसर चाहिए। ओके वीर, यूपी से है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सुदर्शन झील किसके शासनकाल में दूसरी बार मरम्मत की गई थी? सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड सेकेंड टाइम अंडर द रीजन ऑफ। सुदर्शन झील की मरम्मत दूसरी बार किसने कराई थी? आप सभी के पास है 20 सेकेंड्स, आपके पास है 20 सेकेंड, जल्दी से आंसर करें। हरिओम वीर, सुशील, वाजिद, अनूप, प्रणाम सौरभ, खुश रहिए, खूब तरक्की करें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जल्दी से आंसर करें। विक्रम गुप्ता, स्कंद गुप्त, ए, बी, ए, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, सभी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। जल्दी 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 ऐसे ही आंसर करते रहे, जल्दी जल्दी इसी प्रकार आंसर करते रहे, फिर मैं बताता हूं आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए भाई आपको बता दूं, सेकेंड टाइम जो दूसरी बार सुदर्शन लेक बनवाई किसने थी? ये मौर्यन काल में बनी थी, मौर्यन काल में।
मौर्यन काल में सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था, सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था, और बाद में इसकी मरम्मत कराई गई पहली बार। पहली बार जो इसकी मरम्मत हुई थी जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, क्या पता चलता है कि सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है। रिजर्वोयर मतलब जहां पे पानी, जहां पे रेन का वाटर या नदी का पानी, एक्सेस वाटर को स्टोर किया जाता है। मौर्यन एम्परर ने इसको, फ्लूड को, बाढ़ को रोकने के लिए इसका निर्माण कराया था 150, ठीक है, 150 AD में। 150 AD में रुद्र दामन फर्स्ट ने इसको पहली बार रिपेयर कराया था। और 415 से 455 AD के बीच में स्कंदगुप्त के गवर्नर प्राण दत्ता ने स्कंदगुप्त के कहने से इस लेक का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। विच मुगल एम्परर हैड हायर नंबर ऑफ हिंदूज एज मनसबदार्स देन मुस्लिम अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, सी डी शाहजहां। यू हैव 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड आपके पास, जल्दी से आंसर करना है। मोनू कुमार, रविंद्र कुमार, व्हाइट टाइगर, कुणाल, बुद्धमान, औरन, जल्दी जल्दी आंसर करें। अकबर आंसर आ रहा है, अकबर अकबर अकबर, रविंद्र, व्हाइट टाइगर, विक्रम, मोनू, मान सिंह, योद्धा का भाई था, हरिओम, ए ए ए ए, विजय का आंसर आया है बी। विजय आंसर बिल्कुल सही है, विजय औरम का आंसर बिल्कुल सही है। औरंगजेब के शासन काल में मनसबदारों की संख्या थी 79। मनसबदार क्या होते थे भाई? मनसबदारों को इनकी जो मनसबदारी दी जाती थी, कैसे दी जाती थी? इनके अंडर में एक सेना होती थी, 1,000 सैनिक, 2,000 सैनिक, 5,000 सैनिक, ऐसे करके। जो 5,000 ही जो मनसबदार थे, 5,000 ही जो मनसबदार थे, उनकी संख्या 79 थी औरंगजेब के टाइम पे, और अकबर के टाइम पे थी 29, जिसमें से मैक्सिमम हिंदू हुआ करते थे, जिसमें से मैक्सिमम हिंदू थे औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। औरंगजेब ही वो शासक था जिसने, अकबर ने जब जजिया समाप्त कर दिया था, दोबारा से जजिया को लागू करने वाला औरंगजेब था। संदीप सिंह आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफी लैनफी ए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज अ जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। शाफी लैनफी एक पारंपरिक कपड़ा निम्नलिखित में से किस राज्य का जीआई उत्पाद है? किस राज्य में बनाया जाता है ये कपड़ा, शाफी लैनफी? 20 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। निर्मल का आंसर आया है बी, विक्रम का आंसर आया है बी, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करें सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करें। हरिओम का भी आंसर बी, संदीप का डी, जल्दी से आंसर करें भाई सभी लोग, काफी लेट कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन करने हैं हमें, 50 क्वेश्चन करना है, इसी स्पीड से करेंगे तो कैसे हो पाएंगे। बी क्विक, फौजी लाइफ ए। चलिए आपको बता दूं, ये मणिपुर का कपड़ा है, ये मणिपुर का कपड़ा है, बिल्कुल सही वाजिद, बिल्कुल सही रविंद्र, विजय, हरिओम, हरिओम का तो गलत है, विजय का सही है, बिल्कुल सही, ये मणिपुर का कपड़ा है। आपके सामने ये इमेज देख रहे हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग होती है, कढ़ाई की जाती है, कपड़े से, धागे से इसके ऊपर बुनाई की जाती है, जिससे कपड़े का डिजाइन बहुत सुंदर आता है। शाफी लामफी मणिपुर की महतेई महिलाओं द्वारा बुना और काश्तकारी किया गया एक पारंपरिक कपड़ा है। जय हिंद राम बच्चन, खुश रहिए। अतीत में एक सफल युद्ध में सैनिकों की बहादुरी के लिए और मणिपुर के राजा द्वारा मणिपुर के नागाओं के प्रशंसनीय प्रमुखों के लिए कपड़े को सम्मान के रूप में दिया जाता था। पहले अगर हम बहुत पुरानी बात करते हैं, तो सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए
या नागाओं को राजा, जो मणिपुर के राजा होते थे नागा, नागा क्या है, वहां की जनजाति है, नागा क्या है, जनजाति है। रिस्पेक्ट फ्रॉम पंजाब, ठीक है इस, ठीक है भाई, ये सारी वैरायटी जो इसको जीआई टैग मिला है, मणिपुर के इस कपड़े को जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन, द पुली बैडजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट पेलेट ट्रैपोगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पुली बैडजी वन्य जीव अभयारण्य जो ग्रे बैले ट्रैगोपैन का प्राकृतिक आवास है, किस राज्य में स्थित है? 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। आपके पास 20 सेकेंड है। ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, या डी नागालैंड। निर्मल का आंसर आया डी, बी विक्रम, ए हरिश्चंद्र प्रजापति, ए। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करें। संदीप सिंह डी। चलिए, जो लोग अभी आए हैं सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर सही है नागालैंड। पुली बैडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली वेडजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां लोकेटेड? नागालैंड में कोहिमा, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में है, और कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। 923 हेक्टेयर में फैली हुई ये सेंचुरी है जो बिल्स ट्रैपोगन ग्रे बेल्ड ट्रैगोपेन का एक आवास है, प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीस कुरियन। चलिए आंसर करें जल्दी से, जल्दी से, आपके पास है 20 सेकेंड, आप सभी के पास है 20 सेकेंड, जल्दी से आंसर करना है। निर्मल प्रजापति, ए आंसर आया है आपका। विक्रम ए, मोनू कुमार डी, सुदीप सिंह डी, संदीप सिंह का डी, मोनू कुमार डी, फौजी लाइफ ए। भाई देखो, नॉर्मन बोरलॉग, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात की जाती है तो ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की थी, 1960 के दशक में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। इससे क्या फायदा हुआ था? उत्पादन करीब 150 गुना, 150% बढ़ गया था, यानी डेढ़ गुना हो गया था उत्पादन। अनाज का जो उत्पादन था, गेहूं, चावल, मक्का, इन सब का उत्पादन बढ़ के 150% हो गया था, डेढ़ गुना हो गया था। नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नॉर्मन बोरलॉग नॉन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइल्ड वर्गीस कुरियन इज नॉन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, जिसको दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, ठीक है। इन द लेट 1960 एम एस स्वामीनाथन ए प्लांट जेनेटिक्स हेल्प डिजाइन एंड लीड द ग्रीन रेवोल्यूशन, ए ह्यूज डेवलपमेंट एफर्ट दैट इज जस्ट ए फ्यू ईयर्स ब्रॉट फूड सेल्फ सफिशियंसी टू, क्या था? भारत में खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, जो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट खत्म हो जाए और हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें, अकाल पीड़ित क्षेत्रों से निपटने के लिए इस तरह का रेगुलेशन स्टार्ट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी। कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र कौन सा था? ए तगार, श्रीपुरा, त्रिपुरी, या ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। रामबचन, हरिओम, बुधनाम, अचिंत्या, संचय, मोनू, संचय रॉय, फौजी लाइफ, संदीप कुमार, जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट फटाफट, बी क्विक, जल्दी से करें। डी, निर्मल का आंसर आया डी,
चलिए बाकी लोग भी करें आंसर। हरिश्चंद्र, रामबचन, हरिओम, क्या नेट पे सर्च कर रहे हो, क्या गूगल कर रहे हो क्या आप लोग, इतना टाइम लग रहा है। सिक्स का बी, बी करेक्ट आंसर इसका तगारा है, तगार, तगार। ठीक है, ये एक व्यापारिक स्थल था, ये एक व्यापारिक स्थल था किसके बीच में, कल्याण और वेंगी को जोड़ने वाला। कल्याण कहां पे है, महाराष्ट्र में, वेंगी कहां पे, कर्नाटका में। इन दोनों स्थलों को जोड़ने का काम था, एक सेंटर था बीच में जो ट्रेड सेंटर था, एक व्यापारिक केंद्र था जो कल्याण और वेंगी के रास्ते पे आता। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना व्हाट इज तियान वॉन वन। चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में तियान वन एक क्या है, तियान वेन एक क्या है, एक सैटेलाइट है, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन है मिशन है, एक सुपर कंप्यूटर है, या एक वेपन है, बताइए इसका आंसर। 20 सेकेंड है आपके पास। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर। भाई आपको बता दूं, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग करना चाहते हैं क्वेश्चंस, यहां पे जिस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको जवाब देने में तकलीफ हो रही है, मुझे भी टाइम लगता है, वहां पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कोड को इस्तेमाल करना होगा, रवि यूएन को, और आप फ्री क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सेवंथ का बी, सेवंथ का बी आ रहा है, रामबचन का, वाजिद सैफी का, निर्मल का, बिल्कुल सही आंसर है बी। ये क्या है, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसके तहत इस तियानवेन वन को मार्स के मंगल की कक्षा में पहुंचाना था, मंगल की कक्षा में पहुंचाने का काम करना चाहती थी, और एक बार में। ये चीन का पहला मंगल मिशन था तियानवेन वन, और इसका क्या था उद्देश्य था, मंगल की मिशन की परिक्रमा करना, लैंडिंग करना और घूमना पूरा करना। इस नाम का अर्थ है स्वर्ग के प्रश्न, तियानवेन का अर्थ क्या है, स्वर्ग के प्रश्न। प्राचीन चीन के सबसे महान कवियों में से एक क्वा युआन, जो लगभग 340 से 278 ईसा पूर्व की कविता से लिया गया। बिल्कुल सही है पवन, विजय बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर, निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस कारण से, सशस्त्र अधिनियम, रॉलेट एक्ट, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बताइए कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जल्दी से बताएं। निर्मल का आंसर आया बी। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, विजय, पवन, हरिओम, रविंदर, रामबचन, वाजिद सैफी, हरिश्चंद्र, संदीप का आंसर बी, श्याम का बी, निर्मल का बी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में। इस एक्ट के तहत क्या था, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और बिना किसी कोर्ट में पेश किए उसे सजा भी हो जाती थी, पेश किए सजा का प्रावधान था, जिसके कारण जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को सभी लोग इकट्ठा हुए थे, और जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलवा दी थी। यहां पे सिर्फ एक बच्चा जीवित बचा था, 5 वर्षीय एक बालक जीवित था, यहाँ पे 5 वर्षीय एक बालक जीवित था जिसका नाम था ऊधम सिंह। इन्होंने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को गोली मार दी थी, जनरल डायर को गोली मार दी थी, किताब के अंदर अपनी गन को ही छुपा के ले ली। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी, हाँ उधम सिंह, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन है? फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। 20 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। निर्मल, रविंद्र, हरिओम, मोनू, रामबचन, वाजिद शफी, बी श्याम बाबा, ए। जल्दी जल्दी आंसर करें, जल्दी जल्दी, बी क्विक। 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी तो 9 पे पहुंचे हैं हम। 50 क्वेश्चंस करने हैं हमें कंप्लीट। भाई किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सी सी ई ए, सी सी ई ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर की जो अध्यक्षता होती है, हेडेड जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में हमारी सीसीए के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। सीसीए क्या काम करती है भाई? जितने भी हमारे आर्थिक कार्य होते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति होती है, समस्याएं होती है, संभावनाएं होती हैं, उनकी समीक्षा करना, विदेशों से निवेश लाना, आर्थिक क्षेत्र में नई नीतियां लाना, उनकी गतिविधियों का निर्देशन करना, समन्वय करना, ताकि नीतिगत निर्णयों को उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। चलिए आपके पास है 20 सेकेंड्स, आपके पास है 20 सेकेंड्स आंसर करने के लिए। ए ए ए डी, 10 का डी। गोवा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लव करापे, बिल्कुल सही आंसर है। वाजिद सैफी, बिल्कुल सही आंसर है। गोवा, बिल्कुल सही आंसर है। डी आंसर, रामबचन, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, जिन जिन ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ये कहां पे है? एक तरह का ये चर्च है जहां पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की अस्थियां रखी हुई है, नश्वर अवशेष रखे हुए हैं, और ये क्या रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया हुआ है। चर्चों और मठों का एक हिस्सा है, विश्व धरोहर चर्चों स्थल के चर्चों और मठों का एक हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सातवाहन या सातकर्णी रूलर्स रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द शक रूलर्स। निम्नलिखित में से किस सातवाहन सातकर्णी शासकों ने शक शासकों से मालवा को पुनः प्राप्त किया था? ए गौतमीपुर सातकर्णी, सातकर्णी वन, हाला, या यज्ञसारी सातकर्णी। चलिए बताइए आंसर, बताइए इसका, जल्दी से आंसर करें। बी, निर्मल का आंसर बी आया है, सबसे तेज, जल्दी, सबसे जल्दी आंसर करने वाले निर्मल है। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट, बी क्विक। ए गौतमीपुर सातकर्णी, बी 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 बी, चलिए भाई आप सभी लोग गलत कर रहे हैं, आप सभी लोग गलत कर रहे हैं। करेक्ट इसका यज्ञसारी सातकर्णी है, जो लास्ट महानतम शासकों में से अंतिम महान शासक था, ये लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन शासक रूल्स। बिल्कुल सही आंसर है हरिश्चंद्र आपका, लास्ट ग्रेट रूलर, अंतिम महान शासक था ये। ठीक है, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में शासन किया था, नासिक की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाओं में उसके बारे में शिलालेखों में उल्लेख है। शक शासकों से उसने उत्तरी कोंकण, मालवा जैसे कुछ खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने में
सर नहीं, एक बार क्या कह रहे निर्मल, ठीक है, सात वाहनों ने बहुत सारे सिक्के भी जारी किए थे, कई प्रकार के अलग अलग सिक्के जारी किए थे, धातुओं के सिक्के जारी किए थे, साथ ही साथ आप बता सकते हैं ये जो उत्तरी कोंकण तट है और जो मालवा तट है, कोंकण तट और मालवा तट ये कहाँ पे है, कोंकण और मालवा ये किस जगह पे लोकेट करते हैं, कौन से स्टेट में आते हैं, ये किस स्टेट में आते हैं, ये किस स्टेट में आते हैं, ये आते हैं गोवा और महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर्नाटका भी, कर्नाटका का भी आता है, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही निर्बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अशोकन पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वॉज प्रोहिबिटेड, अशोक के कौन से स्तंभ के शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनकी हत्या प्रतिबंधित थी, चलिए आंसर करें, बी, मनीष कुमार का आंसर बी आया बहुत तेजी से, क्या बात है भाई, निर्मल, हरिश्चंद्र, बुद्धमान, बी बी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है, मनीष, निर्मल, श्याम बाबा, लव करापे, बी, इसका करेक्ट आंसर है ए, पिलर एडिक्ट फाइव, जो पांचवा शिला स्तंभ है इसका, जो पांचवा पिलर है उसमें से पता चलता है, जिसमें दो लिस्टें हैं, जिसमें दो लिस्टें हैं, जिसमें से एक में, एक लिस्ट में जो है, एक लिस्ट में जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनकी किलिंग बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, दूसरी लिस्ट पे सम डेज, कुछ खास स्पेशल दिनों में, कुछ स्पेशल दिनों में, कुछ स्पेशल दिनों पे इनको मारने के लिए मना किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पे 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन किया गया जिनको अशोक ने रिहा किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग्स एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, देवपाल टू, बताइए किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, रामबचन, लव करापे, बी, निर्मल बी, रविंद्र बी, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है धर्मपाल ने, और पाल वंश के ये शासक थे, पाल वंश के शासक थे, ठीक है, पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल एक पवित्र बौद्ध राजा थे, बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और विक्रमशिला कहाँ पे है, भागलपुर के निकट कहलगांव में, ठीक है, धर्मपाल ने साथ ही साथ सोमपुरी में एक विहार, पहाड़पुर में, औदन्तपुरी में भी विहार बनवाए थे, ठीक है, पांच स्थान, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, पहाड़पुर और औदन्तपुरी, बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, सोमप्रिया महाविहार अब बांग्लादेश में स्थित है, और भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध महाविहारों में से ये एक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज की गई थी, ए मोहनजोदाड़ो, बी कोट बाला, सी कोट डी जी, या डी खिरासारा, चलिए बताइए आंसर करें, निर्मल का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, लव करापे, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो ये क्या था, ये लार्जेस्ट सिटी थी, ये सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा काल का, ठीक है, यहां से ब्रोंज की, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, एक मूर्ति मिली थी नृत्य करती हुई महिला की, नृत्य करती हुई लड़की की एक प्रतिमा मिली थी, एक बियर्ड मैन मिला था, बियर्ड मैन की मूर्ति मिली थी, दाढ़ी वाला व्यक्ति, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मिली थी,
बिल्कुल सही है वाजिद सैफी। इसके अलावा क्या क्या मिला था यहां से? इसके अलावा ग्रेट बाथ, बृहत स्नानागार, ग्रेट ग्रैनरीज भाई, माल गोदाम, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला था? टेराकोटा टॉयज मिले थे, टेराकोटा के बने हुए टॉयज जिसमें बलक काट बैलगाड़ी भी थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? मोहन जोदड़ो से मिलती है, जो अभी प्रेजेंट में कहां पे है? सिंध पाकिस्तान में। इसकी रचना कब हुई थी? 2500 BCE में हुई थी, ठीक है। और ये क्या था? एक मैनेज्ड सिविलाइजेशन थी, मैनेज्ड सिविलाइजेशन। देखो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम, बाकी पूरी हिस्ट्री में सिविलाइजेशन वर्ड कहीं भी नहीं आता है। सिविलाइजेशन वर्ड कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि यही एक शहरी संस्था सभ्यता थी, यही एक शहरी सभ्यता थी। बाकी सभी की सभी क्या थी? ग्रामीण सभ्यताएं थी। हाँ, माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। चलिए आंसर करें, अगला क्वेश्चन है, द बोरीविल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी राजस्थान। निर्मल का आंसर ए आ गया है, मनीष कुमार का बी आया है। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, लव करापे, राम बच्चन, सुबोध, रविंद्र का डी, उत्तम का ए, हरिओम का डी, बी हरिश्चंद्र, डी लव करापे, ए राम बच्चन, बी। बिल्कुल सही आंसर, जिस जिसने बी दिया है बिल्कुल सही है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ पे बंबू बांस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मिक्स डेसिडियस एंड बंबू ट्रीज। और कहाँ पे है? पूर्वी पूर्वी हाईलैंड्स में है। यहाँ पे नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, मंटजेक हिरण, ये मंटजेक हिरण है, गौर, चीतल हिरण आदि का ये प्राकृतिक घर भी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका? अशोक की धम्म नीति का प्रसार करने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अनिवार्य किया गया था? युक्तास, प्रादेशिकास, या राजकुश? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करें इसका। 16वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर द 16 क्वेश्चंस, आंसर विद इन 20 सेकेंड्स। जल्दी से आंसर करना है, जल्दी 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 जल्दी, बी क्विक। ए 1 एंड 2, हरिओम ए, चलिए जल्दी से आंसर करें। उत्तम कुसुलिया बी, चलिए मैं बता दूं, ये ऑल ऑफ द एबव है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी हैं इसमें। देखो युक्तास जो होते थे, अशोका ने क्या किया था कि अपनी धम्म पॉलिसी का प्रचार प्रसार करता था, और हर 5 साल बाद, every 5 years के बाद इसको क्या करता था, इनको भेजा जाता था उस पॉलिसी के बारे में पता करने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। युक्तास क्या होते थे? हेड होते थे, हेड होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज होती थी प्रादेशिक प्रांतों के। प्रादेशिकास क्या होते थे? जो प्रांत होते थे, प्रांतों के मुखिया होते थे। राजकुशास ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये सर्वे करने जाया करते, ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट धनियाकट का विच वॉज कैपिटल ऑफ द सातवाहन किंगडम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? प्राचीन धन्यकट का जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए अमरावती, बी गुंटूर, सी कोलूरू, या डी थुल्लूर।
निर्मल का आंसर आ चुका है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मनीष कुमार डी, गुंटूर बी, बी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये गुंटूर में है, प्रेजेंट टाइम में गुंटूर के पास, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के पास, जो अमरावती के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती है। ये सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसने पहली से तीसरी शताब्दी के ईस्वी के आसपास दक्कन पे शासन किया था, जिसने दक्कन पे शासन किया था। भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा है, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आप सभी के लिए एक ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 6 महीने के साथ, 1 महीने, 12 महीने के साथ, 2 महीने और 24 के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री चल रहा है। 1 महीने की फीस है 1584 रुपीज, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के वेरियस कोर्सेज हैं। 12 मंथ की फीस है 8712 रुपीज एंड 24 मंथ की फीस है 12672 रुपीज। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? पहली चीज तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस मिलता है आपको, ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक वॉइस वॉइस ऑप्शन आ चुका है, जहां पे आप अपनी आवाज में अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज को अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं, जो यूट्यूब पे संभव नहीं है, जो स्पेशल क्लासेस में संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। भाई जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, भले ही आपने 6 महीने का लिया हो, 12 महीने का लिया हो या 24 महीने का लिया हो, यहाँ पे जितने भी बैचेस आएंगे, आप किसी एक बैच के लिए, स्पेसिफिक बैच के लिए बंधे हुए नहीं है। हर हफ्ते नए बैचेस लॉन्च होते हैं। आप जितने भी, जब तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए आपने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, 24 महीने तक जितने भी बैच आएंगे, आप सभी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप एनरोल करते हैं। इसके बाद अगर आप ये कोड यूज करते हैं रवि UN, तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी, 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलता है, जिसके बाद आपकी जो फीस है 12672 रुपये, ये क्या हो जाती है 11405 रुपये। 11405 रुपये में आपको 28 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, आपको टीचर्स की देखना है कि भाई स्पेशल क्लासेस में अनअकेडमी के और कौन कौन सी टीचर्स है, तो स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी के जो फ्री प्लेटफॉर्म है, उस पे आप आ सकते हैं, सेम इसी कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को, और आप मेरी क्लासेस को भी देख सकते हैं, जो रोज सुबह 9 बजे होती है। रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे ये क्लासेस चलती है। इन इस पेमेंट को आप EMI के माध्यम से भी दे सकते हैं। भाई EMI का भी ऑप्शन आप लोगों के पास, EMI का भी ऑप्शन यहाँ पे है। साथ ही साथ अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर्स में भी अगर आप CDS, FCAT और CAPF के साथ साथ SSB की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो कॉम्बो ऑफर्स पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। इसमें इस फीस में 16,960 में, 16,960 रुपये में 10% का डिस्काउंट आपको और मिलता है, 1,696 रुपये का और डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आपकी फीस हो जाती है 15,264 रुपये। तो इससे बढ़िया ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कोड नोट डाउन कर ले, रवि UN, इससे आप स्पेशल क्लासेस पे एंट्री कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट एडमिन चल रहा है, जिसमें अगर आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट मिलता है, किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और जीत सकते हैं कुछ शानदार इनाम। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे देश दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। इसी क्वाइट के साथ चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं, कौन कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे? अमर सिम्हा, हरिसेना, कहापना का, या ऑल ऑफ द एबव? चलिए जल्दी से आंसर कर दें, जल्दी से आंसर कर दें। इसी तरह के और भी खास एक्सपीरियंसेस आप चाहते हैं और अच्छी सी चीजें करना चाहते हैं, केबीसी की तरह, केबीसी की तरह आप हॉट सीट पे बैठना चाहते हैं, तो स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करें। श्याम बाबा, डी ऑप्शन आया है।
चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, रविंद्र का डी, मिताली का बी, रामबच्चन का बी। भाई डी ऑप्शन, जिस जिसने डी चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये सभी के सभी विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नवरत्न कौन कौन से थे? अमर सिम्हा, अमर सिम्हा जो संस्कृत के लेक्सीग्राफर थे, जिन्होंने 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई थी। 10,000 शब्दों की, लेक्सिकन का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, इन्होंने वो की थी तीन भागों में, कांड 1, कांड 2 एंड कांड 3 में, जिसमें 10,000 शब्द। धन्वंतरी क्या थे? इनके एक फिजिशियन थे, इनके चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। हरिसेन क्या थे? इनके एक बहुत ही अच्छे कवि थे। हरिसेन क्या थे? कवि थे, जिन्होंने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था, अलाहाबाद प्रशस्ति लिखने का भी इनको, ठीक है, ये काव्य के, काव्य खंड, काव्य कविताएं लिखा करते थे। और 8 स्टेंजा को, फर्स्ट आठ, पहली बार इन्होंने 8 स्टेंजा की पोइट्री लिखी थी। 8 स्टेंजा का मतलब है 8 पैराग्राफ, 8 पैराग्राफ्स में कविता इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अगले थे कालिदास। कालिदास के नाम से आप सभी वाकिफ है। कालिदास कौन थे? एक बहुत ही आज तक के सबसे बेस्ट फिलोसफर में से एक, ठीक है। फिर कहा उनका क्या थे? ये एस्ट्रोलॉजर थे। सनकू क्या थे? ये आर्किटेक्चर थे। वारा मिहिर ये भी क्या थे? एक बहुत अच्छे राइटर थे, जिन्होंने उज्जैन में, जो उज्जैन में रहा करते थे। तो और तीन बहुत ही फेमस किताबें, पंच सिद्धांत का, बृहत संहिता और बृहत जत का, ये तीन किताबें इन्होंने लिखी थी, तीन पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। वारुची जो थे, वारुची क्या थे? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और ये क्या थे? ग्रामेरियन थे, संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, और संस्कृत ग्रामर पे इन्होंने अपनी किताबें वगैरह लिखी है। प्राकृत प्रक्षा। वेताल भट्टा ये क्या कहते थे? जादूगर थे। वेताल भट्ट कौन थे? जादूगर। अगला क्वेश्चन है, हु रिबिल्ट द सोमनाथ टेम्पल इन 1815 एडी आफ्टर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अरब इन्वेडर्स इन 1725 एडी। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? ए विक्रमादित्य सेकेंड, नागभट्ट 1, नागभट्ट 2 या मिहिर भोज? बताइए आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से, आपके पास है 20 सेकेंड्स, यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। नाइनटीन का बी, ए बी आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी, नागभट्ट 2। नागभट्ट द्वितीय ने 815 एडी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसको जब दोबारा बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर, जिससे लाल किला बना हुआ है। और 1024 में इसको पुनः पुनः बर्बाद कर दिया गया था महमूद गजनी द्वारा, जो इसका 16th अटैक था, 16वां आक्रमण था, महमूद गजनी के 16वें आक्रमण में, ठीक है। महमूद गजनी का 16th जो अटैक था, इसके द्वारा सोमनाथ मंदिर को तबाह कर दिया गया था, सोमनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारी संपत्ति ये लूट के ले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सैफीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी केरला, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर? सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, केरला में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है? 20 का ए, ओडिशा। चलिए बी केरला। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, निर्मल,
आपका आंसर नहीं आया अभी। चल, इसका करेक्ट आंसर है सी, सी त्रिपुरा। सी त्रिपुरा में है सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 18.53 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जो 18.53 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। कहां पे है? विशालगढ़, विशालगढ़ त्रिपुरा में है। ठीक है, इट इज वुडलैंड विद एन आर्टिफिशियल लेक एंड नेचुरल बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन्स भी है, जूलॉजिकल गार्डन भी है, और एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है, जहां पे 150 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। ओके ओके ओके, 150 तरह के अलग अलग पक्षी पाए जाते हैं। फेरेस लंगूर पाए जाते हैं। सेंचुरी हैज बीन डेवलप्ड बोथ एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुनीयम? निम्नलिखित में से कौन कीर्तार्जुनिया के लेखक थे? ऑप्शन भारवी डंडेन, बारह मिहिर या कालिदास, बताइए। कीर्तार्जुनीया किसने लिखी थी? डी कालिदास, रामबच्चन, मिताली ए भारवी, रामबच्चन बी डंडिन। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है, मिताली ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए भारवी। ए भारवी ने कीर्तार्जुना लिखा था, जिसका मतलब था अर्जुन द माउंटेन मैन, अर्जुना द माउंटेन मैन। ठीक है, भारवी ने लिखी थी छठी शताब्दी में, ऑथर थे कीर्तार्जुना के, अर्जुना एंड द माउंटेन मैन। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस? निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम से पाए गए हैं? सराय नाहर राय, कुरनूल वैली, बेलन वैली या आहाट, बताइए। मिताली, रामबचन, रविंद्र, निर्मल, इसराय नाहर, डी बी डी। करेक्ट आंसर इसका है बेलन वैली, बेलन वैली। और कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश में, जहां से पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड न्यूलिथिक सभी साइट्स यहां से पाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिफाइन द न्यूलिथिक रिवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से पारिभाषित कर सकता है? ए हरित क्रांति, बी प्रौद्योगिक क्रांति, सी दूध क्रांति या डी कृषि क्रांति। नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से कौन पारिभाषित करता है? हरित क्रांति, प्रौद्योगिकी क्रांति, दूध क्रांति या कृषि क्रांति? रामबच्चन का बी आंसर आया है, मिताली ने डी आंसर दिया है, रविंद्र ए, मिताली एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, बिल्कुल सही आंसर है। भाई देखो, ये जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है, ये लगभग 12,000, आज से 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी। यहाँ पे किस चीज की शुरुआत हुई थी? कृषि की, कृषि की। लोगों ने कृषि करना सीखा था, लोगों ने यहां से कृषि की शुरुआत करी थी, बीजों का भंडारण किया था और कृषि करना शुरू किया था। दुनिया में पहली ऐतिहासिक रूप से सत्यापन युग की क्रांति थी। ये कई मानव संस्कृतियों का व्यापक पैमाने पर संक्रमण था, जो शिकार और इकट्ठा होने के जीवन शैली से कृषि और निपटान में से एक था, जिसने तेजी से बड़ी आबादी का समर्थन किया।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट ए कंट्री विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस अंडर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किसी देश को उसकी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता करता है? ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए बताइए आंसर करें इसका। मिताली, रविंद्र, निर्मल, रामबच्चन, आंसर करें। निर्मल का आंसर बी आया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करें। मिताली का भी बी आया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आया है। रविंद्र, रामबच्चन, चलिए मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई किसी भी, अगर कोई डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसके पास किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, देश की सहायता के लिए फंड देता है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टियाना क्रिस्टियाना जॉर्जीवा। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इसकी? गीता गोपीनाथ, ये नाम याद रखना, गीता गोपीनाथ। लास्ट ईयर 2020 में इनको चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर तैनात किया गया है। मेन ऑर्गेन क्या है इसका? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके यूएन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945। अगला क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड ए न्यू स्लोगन, डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किया था? हाँ इंडियन है, जब ही तो बोल रहा हूं निर्मल, गीता गोपीनाथ ये इंडियन है, ये इंडियन है, और आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर तैनात हुई है 2020 से। और अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। मिताली का डी आंसर आया, रविंद्र का बी, रामबच्चन डी। करेक्ट आंसर दिया है मिताली ने और रामबच्चन ने, बिल्कुल सही आंसर है। कराची सेशन 1943 में, कराची सेशन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा दिया था, डिवाइड एंड क्विट, फूट डालो और छोड़ो, पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, नया एक देश बनाने की बात कही गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। जिसके बाद कैद ए आजम जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो गए थे, कम्युनल राइट्स हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, कम्युनल राइट्स हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है। अभिधम्म पिटक डील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो अभिधम्म पिटक है बौद्धों का, उसके तहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। जल्दी से आंसर करें। बुद्ध की शिक्षाएं अभिधम्म पिटक में रविंद्र निकम बी, बुद्ध की शिक्षाएं। श्रीचंद बी, मिताली बी। नहीं भाई, इसमें क्या है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के मामले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। देखो तीन पिटक हैं बौद्धों के, त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में संगीति, पर्याय पद, धर्म स्कंध, धातु काया पद, प्रजनापति पद, विजिना पद, प्रकर्ण पद
और जनाना प्रस्थान, ये सारी चीजें हैं। सुत्त पिटक में दीर्घ गम, मध्य गमना, संयुक्त गम और एकोत्तो गम है। वही विनय पिटक में सुत्त विभांगा, महाविभांग और भीखी कुभ्यंगा, खंडकास, महावागा, कुलुवागा और परिवार। बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो सुत्त पिटक में है, वो सुत्त पिटक के अंदर है। चलिए, द दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दारोजी सुस्त भालू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल? दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी किस राज्य में है, किस स्टेट में है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है या केरला में है? ए कर्नाटक, मिताली निर्मल का ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, निर्मा मिताली, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कर्नाटका में, कर्नाटक में है ये स्लोथ बियर। स्लोथ बियर क्या होते हैं, 6 महीने तक सोते हैं, ठंड के महीनों में ये सो जाते हैं, ठीक है। 82.72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। प्रमुख सुस्त भालू मेलुरसस उर्सिनस भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में दर्ज स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां हैं तेंदुए, मॉनिटर छिपकली, नेवला, पेंगोलिन और तारा कछुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आमचांग, आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए पुडुचेरी, बी कर्नाटक, सी पंजाब या डी असम? अमचांग, अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पुडुचेरी में है, कर्नाटका में है, पंजाब में है या असम में? चलिए आंसर करें जल्दी से। निर्मल का डी, श्रीचंद का डी, अरबाज का डी, रविंद्र बी, मिताली डी, बिल्कुल सही, असम, असम इज द करेक्ट आंसर। जिस जिसने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है, इंद्रजीत, मिताली, अरबाज, लवकुश, निर्मल, श्रीचंद, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों का। ये कहां पे है, असम में है, कहां पे, असम में, ठीक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है ये, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में गुवाहाटी, 78.64 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर अमचांग रिजर्व फॉरेस्ट, साउथ अमचांग रिजर्व फॉरेस्ट एंड खानापारा रिजर्व फॉरेस्ट आता है। द सेंचुरी इज रिप्रेजेंट वन ऑफ द रिच एंड इकोलॉजिकल डाइवर्स हैबिटेट फॉर वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसीज, होलोक गिबन, चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरियां भी पाई जाती है यहाँ पे, यहाँ पे उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, आसामी मैक्यू, कैपेड लंगूर, स्लो आयरिस, लेपर्ड, एलिफेंट, सांबर, पार्किंग डियर, गौर, भौंकने वाला हिरन भी पाया जाता है। अब देखो असम के जस्ट ऊपर, असम के जस्ट ऊपर इस तरह से क्या पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मेघालय है, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाता है, नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, हाँ बिल्कुल 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 सही, ठीक है। इसके अलावा यहां पे, यहां इसके नीचे क्या आता है, त्रिपुरा आता है। देखो इसको याद करने की, इन सेवन सिस्टर्स को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको। दो दोस्त है, एक का नाम है आसिफ और एक का नाम है अरुण, अरुण और आसिफ, ये दो दोस्त हैं, ठीक है। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोनों के एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है मेघा, दोनों को मेघा से प्यार हो जाता है, दोनों मेघा को प्रपोज करते हैं,
और मेघा डिमांड करती है, मेघा डिमांड करती है क्या, मुझे चाहिए डायमंड, मुझे चाहिए मणि, मुझे चाहिए मणि। दोनों दोस्त मणि लेने जाते हैं। जैसे ही मणि लेने जाते हैं, सबसे पहले इनको क्या नजर आ जाता है, नाग नजर आता है, और नाग को देखते ही ये घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टेरर लग जाता है। टेरर मतलब डर, इनको डर लगता है यानी त्रिपुरा। और जब डर लगता है तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई लड़की का चक्कर छोड़ो, लड़की का चक्कर छोड़ो, और हम वापस मजे करते हैं, हम वापस मजे करते हैं जैसे अब तक करते आए थे। ठीक है, जैसे पहले मजे करते थे वैसे ही मजे करते हैं। तो मिजोरम कैसे, अरुण आसिफ, अरुण अरुणाचल, आसिफ मतलब असम, मेघा मतलब मेघालय, नाग मतलब नागालैंड, मणि मतलब मणिपुर, टेरर मतलब त्रिपुरा, और मजे मतलब मिजोरम। ये सेवन सिस्टर्स को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्थल मंडल किसका संयोजन है, ऊपरी कोर और निचला कोर, ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, पपड़ी और मेंटल का सबसे ऊपर का भाग, या मेंटल और कोर। चलिए वाह की बात नहीं निर्मल, अगर आपको याद हो जाता है इस ट्रिक से, अगर आपको याद हो जाता है तो बेस्ट, इस ट्रिक से अगर आपको याद होता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। ओके चलिए बताइए, लिथोस्फीयर किन किन से मिलके बना होता है, अपर कोर लोअर कोर, अपर क्रस्ट लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। गेमिंग अरबाज का क्वेश्चन आंसर आया है पी, निर्मल, मैताली, रामबचन आंसर करें इसका। भाई आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के, क्या बात है, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे। रविंद्र का आंसर ए आया है। इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। देखिए जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरह से बनी है, सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, क्रस्ट, उसके ऊपर अपर मेंटल। देन लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये पार्ट होते हैं। जब अपर कोर, अपर मेंटल और कोर का पूरा पार्ट मिलता है, लगभग 10 से लेके 200 किलोमीटर के बीच का हिस्सा होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। ओके मिताली, नेट स्लो हो रहा है थोड़ा सा इसकी, आप ना एक काम करें, वीडियो की क्वालिटी को 360 पे कर ले, वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल्स पे कर ले। हेलो शिवराम, कैसे हैं आप? ठीक है, हमारे क्या क्या मंडल होते हैं, एटमोस्फियर यानी कि हमारा वायु, वायुमंडल, बायोस्फियर जहां पे हमारे पेड़ पौधे जल जीव जितने पाए जाते हैं, हाइड्रोस्फियर का मतलब क्या हो गया, जल जहां पे पानी पाया जाएगा। नहीं मेरा इशू नहीं है निर्मल, मेरी तरफ से तो इशू नहीं है कोई भी। ठीक है, और लिथोस्फियर यानी कि हमारा स्थल मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीमंटन इज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। वाईफाई लगवाओ भाई, वाईफाई लगा हुआ है मेरे पास, वाईफाई लगा हुआ है, और वाईफाई भी कौन सा लगा हुआ है, फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स लगा हुआ है मेरे पास, मेरे पास नेट का इश्यू नहीं हो सकता। जिसमें 200 Mbps की स्पीड आती है, 200 PS, 200 Mbps। ठीक है चलिए आंसर करें इस क्वेश्चन का। जय हिंद, जय हिंद रामबचन, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। गुड नाइट, गुड नाइट रामबचन। चलिए बताइए, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, कालीमंथन किस देश का, अच्छा है कालीमंथन किस देश का हिस्सा है,
कालीमंथन किस देश का हिस्सा है, किस देश का पार्ट है? रविंद्र, बी मलेशिया, निर्मल, डी कैंबोडिया। करेक्ट आंसर इसका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट इज ए आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। बिल्कुल सही, बोर्नियो द्वीप में एक शामिल एक ही स्थित है। कालीमंथन क्या है? पार्ट ऑफ इंडोनेशियन पोर्शन ऑफ आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो का एक हिस्सा है। इट कंप्राइज 73% ऑफ आइसलैंड एरिया, जो 73% एरिया कवर करता है। ठीक है, और कैसा है? उबड़ खाबड़ है, यहां पे लोग ज्यादा नहीं रह सकते। चलिए बताइए, ए 10 kg ब्लॉक ऑफ आयरन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस इन वैल्यू इन कंपैरिजन टू ए 5 kg ब्लॉक ऑफ आयरन। लोहे के 5 किलो ब्लॉक की तुलना में लोहे के 10 किलो के ब्लॉक में निम्नलिखित में से किसका मूल्य दुगना होगा? जड़त्व का, द्रव्यमान का, आयतन का? फिर ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, बी ओनली 2, सी ओनली 1 एंड 3, या डी 1, 2, 3। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। जल्दी आंसर करें। आप सभी को बता दूं, मेरी क्लासेस की टाइमिंग, स्पेशल क्लासेस मेरी सुबह 9 बजे होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, प्लस क्लासेस मेरी 6:30 पे होती हैं, और यूट्यूब की क्लासेस डेली सेम टाइम पे 8 PM ऑन द सेम चैनल। इस क्लास की PDF चाहिए होंगी अगर आपको, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास की सारी PDFs आपको वहां से मिल जाएगी। चलिए, किसी का भी आंसर नहीं आया। करेक्ट आंसर इसका 1, 2, 3। भाई देखो, 5 किलो का एक ब्लॉक 10 किलो के ब्लॉक से आधा है, आधा है। तो जब 10 किलो का ब्लॉक होगा तो उसका जड़त्व भी बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, और उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। सभी कुछ बढ़ जाएगा, सभी कुछ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल्स। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी पांचालों की राजधानी थी? उत्तरी पांचालों की कौन सी राजधानी थी? चलिए बताइए आंसर करें इसका, इस क्वेश्चन का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल्स। उत्तरी पांचालों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? अहिच्छन, अहिच्छन। और साउदन जो पांचाल, जो साउथ में, साउथ में जो पांचाल, बिल्कुल सही आंसर है आपका मिताली। साउथ में जो पांचाल राज किया करते थे, उनकी राजधानी थी कांपिल्ले। ठीक है, उत्तरी पांचालों की राजधानी थी अहिच्छन, और दक्षिणी पांचालों की राजधानी थी कांपिल्ले। व्हाट वॉज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? श्रेणी का, एक राती, सर्व छत्रांतक, या शालीमाल? डी। ए। बिल्कुल सही है मिताली, बिल्कुल सही है निर्मल, बिल्कुल सही। श्रेणिका, बिंबिसार, ये क्या था? पहला राजा था, फर्स्ट, फर्स्ट किंग, पहला राजा था। और कौन सी? हरियंका डायनेस्टी से था, हरियंका डायनेस्टी, जिसको पापा मारो वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पापा मारो वंश। हम लोग इसको कैसे याद करते थे? पापा मारो वंश करते थे, क्योंकि सभी बेटों ने अपने पिता का कत्ल करके गद्दी को हासिल किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में, सी केरला में, ये डी तेलंगाना में। लव कुश सैनी का आंसर आया ए। मिताली, निर्मल, रामबच्चन, निहाल, रविंद्र, आंसर करें सभी लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, मिताली का आंसर ए। बिल्कुल सही आंसर है, तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे एक अमरावती रिजर्वायर भी है, अमरावती रिजर्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है? पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य था। ठीक है, कोयम्बटूर जिले के पोलाची डिस्ट्रिक्ट में है ये। वालपराई उदलपुर तालुक तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे गोल्डन सियार, सुनहरे सियार, तेंदुए, बिल्ली, जंगली बिल्ली, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले हिरण, चूहा हिरण, बहुत ही छोटे होते हैं, जंगली सुअर, आम लंगूर, बोनाट मकाक, एशियाई ताड़ की सिविड आदि का घर है। यह पक्षियों की 16 में से 15 प्रजातियों का भी घर है। पश्चिमी घाट पार्क में पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई, जैसे जल काग, बत्तख, चैती, डार्टर, दलिया, बटेर आदि। द विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ट टू कमरेट द विक्ट्री ऑफ राणा कुंभा इन विच अमंग द फॉलोइंग। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा की जीत के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस युद्ध में बनाया गया था? बैटल ऑफ चित्तौड़, बैटल ऑफ सारंगपुर, बैटल ऑफ गागरोन या बैटल ऑफ गोगुंदा, बताइए आंसर इसका। चलिए बताइए इसका आंसर, कौन से बैटल जीता था? मिताली का आंसर बी आया, ऋषभ का ए आया है। ए, सारंगपुर बैटल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर की जब बैटल जीती थी, सारंगपुर की जब बैटल जीती थी तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था, एक विजय स्तंभ बनवाया था 1437, 1437 CE में, 1437 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी, महमूद खिलजी, सुल्तान महमूद खिलजी के साथ ये बैटल हुई थी। बिल्कुल सही है रविंद्र, हाँ बिल्कुल सही, राणा कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड्स हाउ फार द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? अच्छा, आप सारंगपुर से हैं, ओके राज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार कहां तक लागू होंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, सशस्त्र बल। ए, निर्मल ए, अंकुश कुमार ए। भाई क्या बात है, आप सभी लोग मिताली को फॉलो कर रहे हैं क्या? आप सभी लोग गलत हो गए फिर तो, आप सभी लोग गलत हो गए। भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डिसाइड करती है कि आर्म फोर्सेस पे, देखो आर्टिकल 35, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 के द्वारा क्या होता है? जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सॉरी आर्टिकल 35 नहीं है, 34, 34 एंड 33, 33 एंड 34, ये क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस को सभी जो मौलिक अधिकार आम जनता को मिलते हैं वो इनको नहीं मिलते हैं, वो आर्म फोर्सेस के लोगों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, भारत की संसद, भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों की मौलिक अधिकार लागू हो सकते हैं तय करने के लिए अनुच्छेद 33 और 34 के तहत संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन पीपल? निम्नलिखित में से कौन पुरापाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय था? ए, एग्रीकल्चर, बी, फार्मिंग, सी, हंटिंग, डी, फिशिंग। हेलो हर्ष ठाकुर, हेलो, कैसे हैं आप? बताइए,
पैलियोलिथिक स्टोन एज में, ओल्ड स्टोन जो एज थी उसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर था, फार्मिंग था, हंटिंग था या फिशिंग था? ए एग्रीकल्चर। मैं भी एकदम बढ़िया हूं हर्ष। भाई ए नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं था, हंटिंग था। हंटिंग ये शिकारी थे जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे। भाई इनका क्या, पत्थरों से इन्होंने आग जलाना सीखा, पत्थरों के इस्तेमाल हथियार इस्तेमाल किया करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार था। नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में जाके इन्होंने कृषि शुरू की थी, नवपाषाण युग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका? भीमबेटका में प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? शैलाश्रय का मतलब है गुफाएं, केव्स। राजमेवाड़ा, राजमेवाड़ा। भाई फालतू के मैसेज ना करें, किसी को परेशान ना करें, आप क्लास लेने आए, आप क्लास ले। बी हर्ष का आंसर आया है बी। चलिए मिताली आंसर करें, ऋषभ, रविंद्र। मिताली आसाम से हैं, मिताली आसाम से हैं राज, मैं बता देता हूं आपको, मिताली आसाम से हैं, डिब्रूगढ़ से। ठीक है, 243 गुफाएं पाई गई हैं, 243, 243, 243 केव्स पाई गई हैं भीमबेटका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, हु वाज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में मुख्य कोषाधिकारी किसे माना जाता था? ए समहर्ता को, बी पौरा को, सी सन्निधाता को या डी करमंतिका को? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मुख्य कोषाधिकारी किसे माना जाता था? नेवर गिव अप। ए निर्मल, बी इंद्र, इंडिया जीत पंडित, डी नेवर गिव अप का बिल्कुल सही आंसर है समहर्ता। समहर्ता, समहर्ता कहा जाता था, समहर्ता कहा जाता था। ठीक है, एज पर द अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट आर सन्निधाता द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड समहर्ता द चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द पटनी कल्ट वॉज एस्टेब्लिश बाय विच संगम रूलर? पटनी पंथ की स्थापना किस संगम शासक ने की थी? पटनी कल्ट की स्थापना किस शासक ने की थी, किस संगम शासक ने की थी? सी केरिकाला। बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेंगु तावन। सेंगु तावन चेर रूलर थे, ये चेर शासक थे, इन्होंने पट्टिनी पंथ की स्थापना की थी, पट्टिनी पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें वर्शिप ऑफ कन्नागी एज द आइडियल वाइफ वॉज स्टार्टेड बाय द सेंगु तावन, द रूलर ऑफ चेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द शतपथ ब्राह्मण एंड द तैत्तरीय ब्राह्मण आर ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण के, कौन से वेद के ग्रंथ है ये, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है ये बताइए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद?
शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी नहीं है, सेंगु तावन चेरा रूलर है ये, इन्होंने पत्नी की पूजा स्टार्ट की थी हर्ष, एक बार आप चेक करना ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यजुर्वेदा है, मिताली मिताली बच्चे, ऋग्वेदा नहीं है, यजुर्वेद है ठीक है। यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया, ब्राह्मण टेक्स्ट है ये। चलिए, ड्यूरिंग हुज रीजन महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एक्जिस्टेंस, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किसके शासन काल में अस्तित्व में आया? वैसे काफी अच्छा है आपका जीएस पोर्शन मिताली, मैं देख रहा हूं काफी अच्छा आप आंसर कर रहे हैं, काफी अच्छा आपने प्रिपेयर किया हुआ है। बताइए, ड्यूरिंग हुज रीजन महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म केम इनटू एक्जिस्टेंस, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किस शासनकाल किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया था? ए अशोका, बी कनिष्क, सी राजा शत्रु या डी नागार्जुना। मिताली, ए अशोका। नहीं बच्चे, ये कनिष्क, कनिष्क के काल में आया था। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट इमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, असंगा वाज द फाउंडर ऑफ महायान, असंगा जो थे फाउंडर थे किसके? महायान के, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एक बुद्ध की, बुद्ध को भगवान मान के पूजा करते हैं, एक भगवान को बुद्ध, बुद्ध को भगवान मानते हैं ठीक है। बिल्कुल मिलेगा, नेवर गिव अप। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हमारे वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ ठीक है। चलिए, द गुफ क्राल प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? गुफ क्राल प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? ज्योग्राफी की क्लासेस बिल्कुल होती है ऋषभ, ज्योग्राफी की क्लासेस। बायोलॉजी में आप लोगों को देखो, मैं 1 वीक बायो पढ़ाता हूँ, 1 वीक आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जो अपकमिंग वीक है इसमें बायोलॉजी की क्लास ही चलेंगी, इस पूरे वीक ज्योग्राफी की चली। ओके, बिल्कुल सही है ऋषभ, बिल्कुल सही है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। गुफरल जो प्री हिस्टोरिक साइट है वो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्ज होम भी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये न्यूलिथिक साइट्स हैं। मेहरगढ़ जो इंडस वैली का है, मेहरगढ़ इंडस वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान में है ठीक है। चिरांद, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। कोल दिहवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, हाँ पुलवामा के पास, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्राइस्ट इज ब्रह्मा, निम्नलिखित में से किसे वेद में पुजारी ब्रह्मा कहा है? किस वेद में पुजारी ब्रह्मा कहा है? ओके, आपने डी दिया था, मैं तो कोई बात नहीं। देखिए, गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों से हमें सीखना है। फेल शब्द जो है, फेल शब्द क्या कहता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। राजमेवाड़ा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं बच्चे। अथर्ववेदा, मिताली का आंसर आ गया भाई, डी अथर्ववेदा आंसर आ गया है, बाकी लोग भी बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अथर्ववेदा को, अथर्ववेदा के अंदर
ब्रह्मा को एक पुजारी कहा गया है, ब्रह्मा को एक पुजारी कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर द स्कॉलर्स इन कोर्ट ऑफ कनिष्का वन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्का के दरबार के विद्वान थे? राज मेवाड़ा, लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर आपने मैसेज किया मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? आपको मैं ब्लॉक करने वाला हूं राज मेवाड़ा, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। चलिए बताइए, कनिष्क के दरबार के विद्वान कौन कौन थे? ए वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, चरक। मात्र चरक, वसुमित्र, अशोक, अश्वघोष। चलिए, ये सभी के सभी विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सभी के सभी कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, ये सब के सब कहाँ, नागार्जुन, ये सब कहाँ थे? विश्व कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष क्या थे? कवि थे। नागार्जुन क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। संघराक्ष क्या थे? पादरी थे। मथारा राजनेता थे। वसुमित्र क्या थे? बौद्ध विद्वान थे। चरक चिकित्सक थे। और अग्निशाला क्या थे? अभियंता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत का संविधान भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? भारत के राज्यों को किसकी गारंटी देता है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की देता है, सोवरेनिटी की देता है, राइट टू सीकेड फ्रॉम यूनियन, नन ऑफ द एबव। चलिए बताइए, भारत का संविधान भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सी गारंटी देता है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की देता है, संप्रभुता की देता है, राइट टू सीकेड फ्रॉम यूनियन देता है, या नन ऑफ द एबव। ऋषभ का आंसर डी आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। जितेंद्र कुमार ए, मिताली डी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। सेंटर हमेशा स्टेट होता है। सोवरनिटी का मतलब क्या होता है? सुपरनिटी का मतलब, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई राज्य या कोई देश अपने आप के सभी डिसीजंस, हाँ, पर्सन इक्वलिटी एट 14, आर्टिकल 14, बिल्कुल सही है मिताली। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई राज्य या कोई देश अपने सभी डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने सभी रूल्स, अपने सभी रेगुलेशंस खुद बना सकता है, उसको क्या कहा जाता है? सोवरन कहा जाता है, उस देश को सोवरन कहा जाता है। अगर भाई देखो, हमारे देश में क्या है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है, सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। राज्यों से ज्यादा यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल होता है, तो स्टेट सोवरन हो ही नहीं सकते। संघ से अलग होने का अधिकार, ये तो मतलब ही नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता, ये भी यहां पे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर करें इसका। देखिए मिताली का आंसर आ चुका है, मिताली का आंसर आ चुका है, मिताली ने ए ऑप्शन चुना है। ऋषभ थ्री, बिल्कुल सही है। कोंकारी वर्मन माधवा, बिल्कुल सही आंसर है। गंग वंश के संस्थापक कोंकणी वर्मन मधवा, ये गंग वंश के संस्थापक थे, गंग वंश के संस्थापक थे। इनको महाराजा धीराज, धर्म धर्म महाराजा धीराज की उपाधि भी इनको मिली हुई थी। अगर उस टाइम के इंडिया की बात करें, 14th सेंचुरी की बात करें, तो पूर्वी गंग यहां पे थे, ठीक है, पश्चिमी गंग यहां पे थे, ये होयसल्स थे, ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता था, और राजपूत किंगडम्स कहां थे? राजस्थान में, राजस्थान में। गुड नाइट, गुड नाइट, खुश रहिए, रामवचन खुश रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हिंद।
फ्रगल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, मितव्ययी इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, श्रम और पूंजीगत लागत को कम करके एक फर्म का लाभ बढ़ाना, एक अच्छे और उसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करना, विज्ञान आधारित नवाचारों को अपनाकर एक फर्म के लाभ में तेजी लाना, या ग्राहकों को छूट देकर ग्राहकों उधार आधार बढ़ाना। नहीं, मैक्सिमम नहीं है, सभी तरह के क्वेश्चन थे इसमें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे ऋषभ, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। साइंस के क्वेश्चन कल अगर आपको करने हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो कल सुबह 9 बजे 50 क्वेश्चंस का सेट होगा, 50 क्वेश्चंस का सेट होगा कल मॉर्निंग में 9 AM से, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। आपको क्या करना है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो डाउनलोड कर लेना, और ये मेरा कोड है RaviUN, इसके द्वारा आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, साथ ही साथ PDF भी मिल जाएगी। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। मिताली ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ ए गुड एंड इट्स प्रोडक्शन। भाई देखो, जो इंडिया में हम क्या कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़, ठीक है, एक जुगाड़ एक चीज होती है, एक जुगाड़ एक शब्द होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी चीज का जुगाड़ बना लेते हैं, किसी भी चीज का जुगाड़ बना लेते हैं। जनरेटर से हम लोग क्या कर लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, अलग अलग चीजों से जुगाड़ लगा लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मितव्ययी इंजीनियरिंग एक अच्छे और उसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, कार फोन जैसी टिकाई वस्तुओं से गैर आवश्यक सुविधाओं को हटाना शामिल है, ताकि इससे विकासशील देशों में कम आय वाले उपभोक्ताओं को बेचा जा सके। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट प्लेटिव, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट प्रहार का उदाहरण है, पीडमोंट प्रहार का उदाहरण कौन सा है, तिब्बतीन प्लेटिव, बोलिवियन प्लेटिव, मालवा प्लेटिव या लद्दाख प्लेटिव। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट प्लेटू, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का एक उदाहरण है, ए तिब्बती पठार, बोलिवियन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू या लद्दाख प्लेट्यू। मिताली, ऋषभ, रविंद्र आंसर करें, जितेंद्र का आंसर आया ए तिब्बतीन प्लेट्यू। चलिए मैं बता देता हूं, जो मालवा प्लेट्यू है हमारा, मालवा प्लेट्यू क्या है, पीडमोंट पठार है, ठीक है। पीडमोंट प्लेट्यू क्या होता है, जहां पे एक तरफ क्या पाए जाएंगे, माउंटेन्स पाए जाएंगे, इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा, और प्लेट्यू के बाद में या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो हाँ, फुट ऑफ ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, बिल्कुल सही, एक एंड पे माउंटेन्स पाए जाएंगे, एक तरफ या तो सी पाया जाएगा, या तो लैंड पाई जाएगी, या फ्लैट जमीन पाई जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, पीडमोंट प्लेट्यू कहा जाता है। अर्जेंटीना का पेटागोनियन अमेरिका में पीडमोंट पठार भी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेलेनेशिया रीजन इन पैसिफिक ओशन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में मेलोनेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वेनेटू, सोलोमन आइसलैंड, फिजी, किरीबाती। बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करें सभी लोग। क्यों भाई योगेंद्र, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कैसे कह रहे हैं आप, बच्चों को लूटने का प्लेटफॉर्म है। दिव्या मैम की क्लास मॉर्निंग में होती है, दिव्या मैम की क्लास मॉर्निंग में होती है डैनी, ठीक है।
किरीबाती बिल्कुल सही आंसर है, किरीबाती बिल्कुल सही आंसर है मिताली, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ठीक है, ये मेलेनेशिया है जिसमें वेनाटू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन आइसलैंड, पैपुआ गिनी, इंडोनेशिया, ये सभी के सभी कहां पे आते हैं? मेलनेशिया में आते हैं। माइक्रोनेशिया में कौन सा आता है? मार्शल आइसलैंड आता है, मैरीना आइसलैंड आता है, ग्युआम आता है, पलाऊ आता है, एंड फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया आता है। पॉलिनेशिया में क्या क्या आते हैं? हवाई आइसलैंड, किरीबाती, टोकेलो, समोवा, तुवालू, कुक आइसलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकेरिन एंड टोंगा। दो मंथ हो गए आपको, 2 मंथ हो गए, तो आपने कॉल नहीं किया, आपने कॉल नहीं किया वहां पे, आप कॉल करें अगर इस तरह की समस्या है। योगेंद्र, अगर इस तरह की कोई भी बात है तो बिल्कुल आपकी समस्या का शॉर्ट किया जाएगा, आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा, इस तरह से नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज वेलकम मिताली, ऑलवेज वेलकम, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आप सभी लोगों का खूब 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 तरक्की दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। आप सभी अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे, आपको एक बार फिर से बता दूं, स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग 9 AM पे है, प्लस क्लासेस 6:30 PM पे होती है, और यूट्यूब का सेशन ये यूजली रोज सेम टाइम पे 8 PM पे होता है हमारा। ठीक है, अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर देना। अच्छा, मेरी इज्जत का सवाल है योगेंद्र, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ अपनी जो भी डिटेल से शेयर करें, आप एक काम करें, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप सारी चीजें जो भी हैं, आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी पूरी हेल्प, बिल्कुल हेल्प करूंगा योगेंद्र, आप मेरे साथ शेयर करें चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है उस पर आप आए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, डोंट वरी। अगर आपका पैसा कटा है तो आपको बिल्कुल उसकी हेल्प की जाएगी, आपका सब्सक्रिप्शन चालू की जाएगा, डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, नहीं आप दे, मैं रिस्पॉन्स करूंगा योगेंद्र, मैं अपनी गारंटी लेता हूं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, डोंट वरी। ओके, जो चैनल मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस चैनल पे आप आए, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इस चैनल पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, मैं पूरी आपकी सहायता करूंगा, जो भी आपकी सहायता होगी मैं अपने टीम मैनेजमेंट से बात करूंगा, मैनेजमेंट से बात करूंगा, और आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं, आपका भरोसा कभी नहीं टूटे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करके कमेंट में जरूर बता देना कि सेशन में आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करे, आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, आप सभी लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।